First thing, like when you want to start your project, first you click on space, and after click on space, go to MKS, see your MKS, like your unit is in MKS or not. तो हमने देखा कि यहाँ पे मीटर एंड किलोमीटर पे है एंड आफ्टर इट गिव योर फाइल नेम हाउ मच लाइक व्हाट यू वांट टू गिव द नेम ऑफ फाइल. तो हमने इसको बोला, इसका नेम नाम दे दिया, मैंने एक रूम का स्ट्रक्चर बनाना चाहा. ठीक, हमने एक रूम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने दे दिया रूम वन, फर्स्ट रूम हमने स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया. और इसके बाद यहाँ पे फाइल का लोकेशन हमारा सेव ही हो रहा है जैसा कि मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको. यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड बीम पे क्लिक करना है और ऐड बीम पे क्लिक करके फिनिश पे क्लिक करना है. ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि हमें बनाना है एक रूम का स्ट्रक्चर. ठीक है, अब सपोज आप ये समझिए कि रूम जो है आपका 3x3 मीटर का है, 3x3 मीटर का है, 3 उसका कॉलम है, 3 उसका बीम है, 3 उसका हर सब कुछ उसका 3x3 है. ओके, फॉर दैट जस्ट लाइक हमने यहाँ से सिंपल लिया, यहाँ से मैंने बोला ये वॉल की हाइट हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने कॉलम दे दिया और यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम दे दिया. ये सॉरी, इसको बीम दे दिया, यहाँ पे बीम दे दिया 3 मीटर का और इसके बाद यहाँ पे एक बीम दे दिया. ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, रूम का एक साइड का प्लेन बन गया. ठीक है, जैसे कि हम देखें इस रूम को देखें तो इस रूम में वो कॉर्नर, वो कॉर्नर, वो कॉर्नर, तीन कॉर्नर्स है ना हमारे पास, वो कॉर्नर बन गए, एक रूम का एक साइड का वॉल बन गया. ठीक है, तो मतलब ऐसे देखें जैसे ये दो कॉलम और एक बीम ऐसे. यस, दिस वन इज योर कॉलम एंड दिस वन इज योर कॉलम एंड दिस वन इज योर बीम. ठीक, तो हमने ये दो चीज़ ले ली. अब ये एक साइड का हो गया, सामने भी ऐसे ही होगा ना, सामने भी ऐसे होगा. तो सामने होने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल सी आप कर सकते हो. अदरवाइज यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलता है ट्रांसलेशन रिपीट. ओके, ये इसीलिए बना गया है. यहाँ पर ट्रांसलेशन रिपीट पे आप क्लिक करिए और क्लिक करके अब देखिए कि किस एक्सिस में आना है, किस एक्सिस में आना है. तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें जेड एक्सिस में आना है, राइट. तो जेड एक्सिस में आना, क्योंकि जेड एक्सिस में क्यों आना है सर, क्योंकि हम बाहर आ रहे हैं, हम बाहर आ रहे हैं ना, तो ये बाहर आने के लिए जो एक्सिस है वो हमारे जेड एक्सिस है. तो यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्लिक किया और जेड एक्सिस पे क्लिक करने के बाद अब हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया कि हम जो रूम बनाएंगे वो 3x3 का बनाएंगे. तो यहाँ पे जो मीटर चल रहा है ये कितना चल रहा है, एक वॉल से दूसरे वॉल के बीच की डिस्टेंस कितनी चल रही है, 5. हमने इसको कर दिया 3. ठीक है, जिससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा 3x3 का हो जाए. ओके, और नंबर ऑफ स्टेप, कितने रूम बनाना चाहते हो. मैंने कहा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस वन इज योर सेकेंड क्लास, तो हमने कहा केवल एक हम तैयार करेंगे. ठीक, अब इसको करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो इस तरह से हमारे पास देखिए रूम का दोनों साइड पर रूम आ गया. ठीक, अब यहाँ पर भी बीम होगी, यहाँ पर भी बीम होगी. ठीक, उस बीम को चलाने के लिए आपको यहाँ पर ऐड बीम लेना है और ऐड बीम लेने के बाद यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके लगा देना है, यहाँ से लगा के लगा देना है. ठीक, अब यही काम मैं आपको ट्रांसलेशन रिपीट से भी करके दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपको पता रहेगा उससे भी कर सकते हैं. कैसे, अभी जैसे मैं यहाँ पे ऐड किया ना बीम, ये मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको पता चल जाए कि ऐड बीम का काम क्या होता है. ठीक है, अब जस्ट मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड जाता हूँ, जैसे बैक होता हूँ मैं, और फिर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और फिर से हमने ट्रांसलेशन रिपीट लिया और जेड एक्सिस लिया, यहाँ पे 3 डाला और अब क्यों यार हमने कर दिया यहाँ पे लिंक स्टेप. लिंक मीन्स एक दूसरे से जुड़ जाना. ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे लिंक स्टेप किया तो अब क्या होगा कि लिंक ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नीचे का भी, ऊपर का भी, बट हम केवल ऊपर की बीम को लिंक करना चाहते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन बेस, मतलब नीचे का ओपन रहे. ठीक, तो ओपन बेस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ओके कर दिया. ठीक, तो हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हो गया. अब इस स्ट्रक्चर को चलाने के बाद इस स्ट्रक्चर की डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे हम लोग. डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, जनरल पे गए जैसा हमने लास्ट क्लासेस में किया था कि डिफाइन कैसे करना है. तो अब हम बीम को अलग और कॉलम को अलग अलग साइज दे देंगे. ओके, तो हमने यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी बॉक्स के डिफाइन पे क्लिक किया और डिफाइन पे क्लिक करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे जाके 0.45 इसको दे दिया हमने साइज. ठीक है, और इसको हमने दिया 0.30. ओके, यहाँ पर ऐड किया और ऐड करने के बाद फिर से हमने दिया आपके यार 0.33 और 0.33. ठीक है, ये हमने बीम बना दिया, वो वाला हमारा कॉलम का साइज दे दिया. ओके, यहाँ पर हमने इसको ऐड किया और ऐड करने के बाद क्लोज कर दिया. इसके बाद अब इसको लगाना है हमें कहाँ पे, कॉलम्स पे. कॉलम हमारा किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है. तो हमने क्या किया, सेलेक्ट पे गए और सेलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक किया बीम्स पैरेलल टू वाई. क्यों, वाई को सेलेक्ट करने के लिए. ठीक, जैसे वाई पे क्लिक किया तो जितनी भी चीज़ें हमारी वाई एक्सिस पर होंगी वो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी. सेलेक्ट हो गई. अब सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जस्ट आपको असाइन पे क्लिक करना है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स. हमने असाइन पे क्लिक किया और असाइन क्लिक करके मैंने यस कर दिया. इज दैट क्लियर. ओके, एंड आफ्टर इट मतलब हम लोग अब क्या डिफाइन करेंगे, बीम्स को. बीम्स किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है और जेड एक्सिस में है, एक्स और जेड.
तो उसके लिए हम लोग क्या किए, सेलेक्ट पे गए और बीम्स पैरेलल टू एक्स एंड सेलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड। ओके आफ्टर इट जस्ट अब देखिए मैंने क्या गलती की, मैंने वही चीज़ आपको फिर से डिफाइन करने वाला था, जो हमने कॉलम पे किया था वही बीम पे करने वाला था, बट हमें क्या करना था, हमें ये साइज देना था उसको, ठीक है। तो हमने पहले दूसरे वाले को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी साइन नहीं हुआ है। एक्स फिर से हम यहाँ पे गए और यहाँ पे ले लिया जेड, क्लियर। आफ्टर इट जस्ट असाइन एन एस, सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सपोर्ट डालेंगे, तो जैसा कि ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में हम लोग यहाँ पे फिक्स सपोर्ट डालते हैं सर। तो फिक्स सपोर्ट डालने के लिए देखिए, पहला काम जनरल पे गए, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा सपोर्ट, स्टेप्स हैं इसके पूरे। तो सपोर्ट्स पे हमने क्लिक किया और सपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया और क्रिएट पे क्लिक करके ये बिल्डिंग है इसलिए हम यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लिए, ठीक। फिक्स सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ऐड किया और ऐड करके यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरह से सपोर्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कैसे किया, यहाँ पर देखेंगे तो आप, तो ये कौन सा व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे आप माउस को लेकर जाएंगे, यहाँ पे दिखा देगा आपको, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है। यहाँ पे सारे व्यूज आपको दिखेंगे, ये कौन सा व्यू है, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड, मतलब जेड डायरेक्शन से आप देखोगे तो क्या दिखेगा। तो ये एक्सिस का सहारा लेंगे तो क्या होगा, आपको ईजी होगा समझने में, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट, अब ये माइनस एक्स होगा, माइनस जेड सॉरी, प्लस जेड माइनस जेड, इस तरह से अलग अलग व्यूज आप ध्यान देखिए, यहाँ से काम करोगे तो बेटर, फिर जब काम हो जाए तो आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। और जैसे कि कभी कभी हमें रोटेट करना पड़ेगा अपने एक्सिस को, थोड़ा सा रोटेट कर लिया फिर सपोर्ट लगाया, तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रोटेट है, रोटेट अप इस तरह से, रोटेट डाउन, और यहाँ पर रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, इस तरह से आप स्ट्रक्चर को रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे काम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम लोग जो चल रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू पे फिर से आ गए और यहाँ पे हमारे सारे नोट सेलेक्ट हैं, इसलिए जस्ट आपको असाइन पे क्लिक करना और ये असाइन हो गया, सपोर्ट लग गया। अब तीसरा काम हमारा लोड का होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, लोड पे गए और लोड पे जाने के बाद यहाँ पे लोड के डिटेल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डेड लोड लिया, और डेड लोड लेने के बाद DL लिया, और ये लेने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक, और ऐड करके क्लोज कर दिया। और फिर अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस पर लाइव लोड क्या आएगा, क्यों, क्योंकि हमने लाइव लोड का कुछ ऐसा कुछ अभी स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है। लाइव लोड मतलब जब बिल्डिंग हमारी तैयार हो जाए तो कितना लोड आएगा, वो अभी हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने डेड लोड लिया और डेड लोड लेने के बाद यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया, यहाँ पे सेल्फ वेट लिया -1.5 का, और ये लेने के बाद हमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करके क्लोज कर दिया, और फिर सेल्फ वेट को सेलेक्ट करके पूरे बिल्डिंग को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके असाइन टू व्यू, और असाइन टू व्यू मीन्स पूरे को असाइन कर देना, असाइन यस। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने टाइप से आप असाइन कर सकते हो, तो ये उसके 4 टाइप्स होते हैं सर, कि हम किस किस टाइप से, हम असाइन टू सेलेक्टेड बीम करेंगे तो केवल और केवल सेलेक्टेड बीम होंगे, ठीक है। असाइन टू एडिट लिस्ट, लाइक किसको किसको एडिट करना है, उसको उसको करना है, तो उसको हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक। तो अभी हमारा ये सेलबेट असाइन हो गया। आफ्टर इट जैसे कि हमने लास्ट किया था उसमें, ऐसे यहाँ पर भी एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल एड क्लोज एंड देन एनालाइज रन एनालिसिस से 0 error 0 warning 0 note, दैट मीन स्ट्रक्चर इज फुल्ली करेक्ट। अब जैसे मैं अभी लास्ट क्लास में क्या किया गया था, मैं पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाके क्लिक किया था रियल को देखने के लिए। आप अगर व्यू आउटपुट फाइल नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करिए पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे, और डन करेंगे तो फिर वहीं पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, जो यहाँ से आप पहुँचते थे वो यहाँ से पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब फिर से इसका डिफ्लेक्शन देखेंगे, हर एक बीम और कॉलम पे क्या क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो कंट्रोल और माउस के बीच वाले बटन पेन को यहाँ पे ले जाके स्क्रॉल करेंगे, जैसे स्क्रॉल किया तो ये देखेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन शो करने लगा। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि इसका और इसका डिफ्लेक्शन सेम आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि तीन ये भी है, तीन ये भी है, लोड जितना उस पर पड़ा है उतना इस पर पड़ा है, तो ये सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट पे जाएंगे और रिजल्ट पे जाने के बाद व्यू वैल्यू पे जाएंगे, बीम रिजल्ट और मैक्सिमम रिजल्टेंट करके एनोटेट पे क्लिक कर दिया और क्लोज किया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितना इस कॉलम पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है उतना ही इस पे आ रहा है, उतना ही इस पे तो उतना ही इस पे, उतना इस पे तो उतना इस पे, दैट मीन एवरीथिंग इज सेम। तो आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेफ है, ठीक है। अब इसका एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर बढ़ गया होगा, क्यों बढ़ गया होगा, क्योंकि अभी हमारे पास पार्टिकल ज़्यादा हो गए ना, उस टाइम केवल एक बीम था, आज हमारे पास कई बीम हो गए, कई कॉलम्स हो गए। तो देखते हैं इसका वेट ऑफ स्ट्रक्चर कितना हुआ। तो रिजल्ट देखने के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू और स्टेट आउटपुट, ठीक है। स्टेट आउटपुट पर हमने क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ से हम देख सकते हैं अपने रिजल्ट को, जो वहाँ से वहाँ डायरेक्ट देखते थे उसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हमारे पास देखिए नंबर ऑफ ज्वाइंट बढ़ गए 8 हो गए, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे 8 हो गए, अब नंबर ऑफ सपोर्ट्स जो नीचे की ओर लगे हमारे 4 हो गए, ठीक है। अभी हमने प्लेट नहीं डाला, नहीं तो यहाँ पे प्लेट के बारे में भी डिस्कस करता हुआ। अब नीचे आया और नीचे आके हमने देखा तो हमारा जो एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो चल गया 63 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का,
ठीक, तो सर समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से हम लोग लाइक एक से ज़्यादा बीम्स की एनालिसिस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बीम्स कॉलम्स की एनालिसिस कर सकते हैं।